वेल, वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो आज 13 जुलाई है और रोज़ाना की तरह हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बायलैंग्वेज सेशन है। चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। और मेरा नाम नीनम है और मैं रोज़ाना मंडे टू सैटरडे आपसे 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ। तो एज आई कैन सी सुनिमा, गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा रोज़ाना की तरह हम डिस्कस करेंगे पहले हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 दिन से मैं दे नहीं रही थी, बट आज हमारे पास हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है। चलो, तो होमवर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, देखो क्या था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया विच हैज़ रिसीव्ड द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटर DCGA। भारत की नवीनतम एयरलाइन का नाम क्या है जिसने विमानन नियामक DCGA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया, AOC जिसे आप कहते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भरत एंड राहुल, गुड मॉर्निंग। तो ये आपकी आकाशा एयरलाइन थी। ठीक है, आकाशा एयर है आपका, ये नया स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, रजत, राहुल, भरत, सुनेमा, वैशाली एंड एडम के आंसर्स आए थे जो कि बिल्कुल सही थे एंड वेरी गुड। इसी तरह से आंसर्स देते रहा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, और मुझे जो लोग बाद में भी देखते हैं वो लोग भी आंसर्स दिया करिए, हम कनेक्टेड रहते हैं इसी बहाने। चलिए, तो आकाश एयर है, इसको एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल गया। कौन है एयर ऑपरेटर? DCGA। और जो बिलियनर इन्वेस्टर है, क्या नाम है उनका? राकेश झुंझुनवाला, जिनका आकाश एयर है, और इन्होंने इसने क्लेरिफिकेशन इसको मिल गया है, ये टेक ऑफ कर सकता है। नो फ्रिल एयरलाइन रिसीव्ड इट्स एयर ऑपरेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम DCGA। DGCA इसका फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये जुलाई के अंत में अपनी उड़ान भरेगा। आकाश एयर की बात करें, इसका क्योड जो एयरलाइन कोड होता है वो होगा QP। ठीक है, इसने अपना पहला 737 मार्क्स 21 जून को हासिल किया। ठीक है, तो शुरुआत में ये 2 एयरक्राफ्ट के साथ अपनी फ्लाइट को क्या करेगा? चालू करेगा। ठीक है, चलिए, और धीरे धीरे हर महीने अपनी फ्लाइट्स को बढ़ाता रहेगा। एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 22-23 द एयरलाइन विल हैव इंडक्टेड कितना? 18 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे एंड देयर आफ्टर 12 से 14 हर 12 महीने में। ठीक है, और लगभग 72 डिलीवर्ड हो जाएंगे अगले 5 सालों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग वेद, गुड मॉर्निंग सस्मिता, थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट इकट्ठा करने में, और कोई जब अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है हमारा। वेद, क्या क्वेश्चन पूछा? आकाशा है या फिर आकाशा, AKASHA? भैया तो बड़ा गजब बात पूछ ली, जरा एक बार हम फिर से चेक कर लें, ऐसा हमने क्या लिख दिया? इट्स आकाश, AKASA, यस, इट्स AKASA। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। आई रिपीट, इट्स AKASA। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद एन एम टू एलिमिनेट TB इन इंडिया बाय 2025? वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2025 तक भारत में TB को खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जिसे आप परिवार कल्याण मंत्रालय कहोगे। देन यू हैव होम, एक सेकेंड लोगों, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय। चलो देखते हैं, एक सेकेंड। तो भरत, वैद, राहुल, सुनेमा, थैंक यू सो मच संदीप, कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले अटेंड जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। द राइट आंसर इज डी, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है,
चलो लेट्स मूव अहेड. एज आई सेड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. तो यहाँ देखो हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री दे हैव साइंड एन MOU, एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारत को TB मुक्त किया जा सके बाय द एंड ऑफ 2025 तक एलिमिनेट करना है TB. ये हमारा टारगेट है जो कि 5 साल कम है किससे, WHO से. WHO का जो टारगेट है वो 2030 का है, हमारा 2025 का है, याद रखिएगा ये चीज़. चलो आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशियस टारगेट है, सबको पता है, और ये माइलस्टोन है कि हमें TB फ्री भारत को करना है. आओ बात करें कुछ टारगेट्स की. एक सेकेंड रुको ज़रा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके साथ शेयर करना है मुझे. हाँ जी चलो, ये कुछ साल हैं जिनके टारगेट्स हैं हम इंडिया के कि उसको ये कंप्लीट करना है. जैसे 2024 तक इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक है. 2024 तक प्रोवाइड करना है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर सिटीजन को, स्वच्छ पीने योग्य पानी. 2024 तक हर घर जल रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में. 2025 तक अचीव करना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, ठीक है. चलो 2025 तक डिफेंस टारगेट है हमारा 35,000 करोड़ का, 25 का एलिमिनेट करना है हमें क्या TB, और WHO का क्या है 2030 है टारगेट. फिर 25 है टारगेट इंडिया का विजन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का विश्व में ग्लोबली. 2025 की बात करें इंडिया का टारगेट है क्रिएट करने का 220 न्यू एयरपोर्ट्स, याद आया. 26 का अगेन टारगेट है हमारा कि इंडिया अनवील करेगा 5 साल का रोड मैप ताकि वो बन सके 300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2030 में इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का, 2030 का है कि इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन के चरण तक पहुंचाएंगे 2030. इंडिया रिड्यूस करेगा एनर्जी इंटेंसिटी बाय 33 से 35%. और 2030 का एक और है, इंडिया प्लान कर रहा है 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. तो एक साथ पूरा डेटा है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. आगे बढ़ते हैं. मोदी जी ने टीबी को हटाने की बात की है, ये सब हो गया है यहाँ मैंने बता दिया. हाँ जी देखो 2025 5 साल का है और 2025 भारत का है जो कि 2030 किसका, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 5 साल कम है, ठीक है. आगे बढ़ो, एक और कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा. ये टीबी, ये कैंपेन जो है इसे 2019 में उस दौरान के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था. अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया, ठीक है. चलो आगे बढ़ें. और पंचायती राज मिनिस्टर का नाम क्या है, श्री गिरिराज सिंह. एक और कुछ बताने जैसा इसमें नहीं, बढ़ो आगे, पढ़ो आगे. चलिए गाइस, तो जो लोग अभी अभी आए हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल. एंड क्वेश्चन पढ़िए अगला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, कल मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ के आने की के लिए कही थी ना, मोदी जी ने कुछ अनावरण किए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलो भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो हैज़ अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर विद्युत इन नागपुर. वॉट इज द लेंथ ऑफ दिस डबल डेकर ब्रिज. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में सबसे लंबे डबल डेकर पुल के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है. इस डबल डेकर ब्रिज की लंबाई कितनी, 2.14 किलोमीटर, 3.14 किलोमीटर, 3.41 किलोमीटर, 2.141 किलोमीटर, 4.14 किलोमीटर, ठीक है. चलिए अभी देखते हैं जरा, वॉट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉर्ड, हाँ जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्षा है अलका उपाध्याय, वेरी गुड. आओ बात करें इसके बारे में पहले, फिर देखते हैं. हमने आंसर लगाया 3.14, लेट मी चेक. हाँ जी ये बिल्कुल सही है और ये बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का एक अद्भुत नमूना. अगर हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागपुर मेट्रो स्टेशन रेल प्रोजेक्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और बिल्ड किया है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा डबल आप समझते हो, डबल डेकर वैदिक विद एन एलिवेटेड हाईवे एंड मेट्रो रेल सपोर्टेड ऑन अ सिंगल कॉलम पेयर. अभी हम इसकी बात करेंगे क्या कह रहा है ये, ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये सेव करेगा लैंड एक्विजिशन, ठीक है, बिकॉज एक ही के ऊपर आपने ऐसे क्या हाईवे के लिए अलग लैंड चाहिए, मेट्रो के लिए अलग लैंड चाहिए, बट एक के ऊपर एक बनाने से इसने लैंड को सेव किया और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बचाया है, ठीक है, और ये टाइम भी बचाएगा कि सिटी से एयरपोर्ट आसानी से कनेक्ट हो सके। अब देखो जो डबल डेकर है इसमें है क्या क्या, तीन लेयर है इसमें, थ्री लेयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, पहली लेयर है जिसमें हाईवे जो ऑलरेडी हाईवे था वो चल रहा है, और दूसरी लेयर में फ्लाईओवर होगा, और तीसरी लेयर में आपका क्या होगा, नागपुर मेट्रो रेल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे आपका चल रहा है नीचे, इसके ऊपर ये देखिए इन्होंने ये फ्लाईओवर बनाया, और ये ऊपर से आपका नागपुर मेट्रो, और इन्होंने एक बोला ना कि सिंगल कॉलम, देखो सिंगल पिलर पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक अद्भुत नमूना है। आइए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो फ्लाईओवर ये जो फ्लाईओवर हाईवे है इसे बिल्ड किया गया है कितनी ऊंचाई पे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया 9 मीटर, और जो ऊपर मेट्रो है वो 20 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसके अलावा 2.7 किलोमीटर मल्टी लेयर कॉरिडोर 4 लेन का है, जो कॉरिडोर बना हुआ है मल्टी लेयर का वो 4 लेन का है, और आगे सेकेंड हाफ में ये 6 लेन का हो जाएगा। 3 मेट्रो स्टेशन हैं इसमें डबल डेकर ये जो बना हुआ है, एक छत्रपति चौक, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर, और इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है, ये इंजीनियरिंग का नमूना इसको दर्ज किया गया है। चलो और कुछ बताने जैसा नहीं, चलो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 95 में इट वॉज फाउंडेड, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन का नाम अलका उपाध्याय है, पहली महिला अध्यक्षा है। तो अगला क्वेश्चन, हाँ, नितिन गडकरी ने काफ़ी ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज इन इंडिया, रोड डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है साथ ही साथ, बट जब डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन दोनों पैरेलली चलते हैं, जब आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो साथ साथ फिर हमने जितना भी डिस्ट्रक्शन किया होता अपने एनवायरमेंट को, तो उसको भी हम पूरा करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू क्रिएट अ न्यू जॉइंट वेंचर इंटेंडेड टू डेवलप हेलीकॉप्टर इंजन्स, निम्नलिखित में किस एरोस्पेस कंपनी ने हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के उद्देश्य से एक नया संयुक्त उद्यम बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, टाटा एडवांस सिस्टम, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, महिंद्रा एरोस्पेस, बोइंग रोटोक्राफ्ट सिस्टम, सैफरन हेलीकॉप्टर। चलो तो सुनिमा, रजत, राहुल, भरत और कौन है भाई, संदीप, वैद, सुष्मिता, ठीक है, जितने नाम मुझे दिखे मैंने पढ़ दिए। आओ पढ़े, देखें क्या लिखा हुआ है। तो पूछा मैंने क्या है, एरोस्पेस कंपनी ने साइन किया है एक अग्रीमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। नाम तो नीचे मैंने पढ़ दिए हैं, सुनीमा ने लगाया है ई बोले तो सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन, ठीक है। तो टाटा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, महिंद्रा ये तो भारत की, बोइंग आपकी यूएस की है, ठीक है, काफ़ी सामान हमने बोइंग से भी खरीदा, किसी दिन बात करेंगे उसके बारे में भी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन ने ये साइन किया अग्रीमेंट ताकि क्रिएट किया जा सके एक नया संयुक्त या जॉइंट वेंचर, जिसका इंटेंशन क्या है, डेवलप करना हेलीकॉप्टर इंजन। दोनों ही कंपनी इस्टेब्लिश करेंगी नया एरो इंजन कंपनी भारत में, जो कि डेडिकेटेड होगा डेवलपमेंट, विकास, प्रोडक्शन, सेल और सपोर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर इंजन, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप है ये, जो कि इंडिया के एरो इंजन कंपनी के लिए नई है। आगे बढ़ते हैं, ये डेडिकेटेड होगा, मैंने अभी आपको बता दिया, हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन वगैरह के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है HAL की, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्यूचर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्यूचर हेलीकॉप्टर इंक्लूडिंग 13 टन IMRH इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए वो ज़रूरत को पूरा करेगा। काफ़ी और इसमें डेटा दिया हुआ है, एक रीडिंग लगा लेना। ये ऑलरेडी इन दोनों की जो पार्टनरशिप है कई चीज़ों में हो चुकी है, शक्ति इंजन जो कि पावर देता है HAL के बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स के, जिसमें ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर शामिल है, ठीक है, इसी तरह की चीज़ें। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा कमिटमेंट है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें एक और स्टेप अहेड है, ठीक है। चलिए, ये जो वेंचर है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो चलो बढ़ो आगे और पढ़ो आगे, देखो जरा क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ 300 मिलियन स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 5 ईयर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य को 5 साल के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 300 मिलियन की स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? आओ, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। वर्ल्ड बैंक और की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक फंड करेगा अगले 5 सालों के लिए 300 मिलियन स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट को। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ कौन सी सरकार है, ये कौन से प्रदेश की सरकार है। तो वैद्य सोनेमा राहुल। आओ देखिए, भारत गुम हो क्या तुम? चलो ई, आज रजत नहीं है ना, चलो ई बोले तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने रिसीव किया है कितना, 300 मिलियन वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक से स्कूल एजुकेशन के लिए। इतनी बात हो गई है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनिशिएटिव अलाउ करेगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि वो बोरो कर सके 300 मिलियन अगले 5 सालों में। ठीक है, और एट सिग्निफिकेंटली लोअर देन मार्केट रेट। भाई लोन लोगे तो भाई आपको कुछ चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट भी, तो यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिल रहा है जिसे आप अगले 20 साल में वापस लौटा सकते हैं। ठीक है, आइए 20 साल में पता नहीं कौन है ना, आओ बढ़ें और देखें हमारे हाल फिलहाल के लोन जल्दी 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 जल्दी। तो 125 मिलियन लोन लिया गया है सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, 150 मिलियन है पार्शियल गारंटी फैसिलिटी अग्रीमेंट PGFA। आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, USD 47 मिलियन मिला है मिशन कर्मयोगी, एक नेशनल प्रोग्राम है बिल्ड करने के लिए सिविल सर्विसेज कैपेसिटी। 350 मिलियन है श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट गुजरात के लिए, जी से गुजरात, जी से श्रेष्ठ जी। और 30 बिलियन है फंड फूड सिक्योरिटी क्राइसिस के लिए। अरे बाबा, बड़ा कंफ्यूजन है, क्या हुआ, छत्तीसगढ़ है बच्चे, दिस इज छत्तीसगढ़। चलो आगे बढ़ो, नॉट वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल वाला लोन नहीं है। आओ आगे बढ़े। वर्ल्ड बैंक ने 1944 में स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डेविड मालपास, MD और CFO है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मन रेहान। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुल्लर, मेंबर्स हैं 189। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के 5 मैं कई बार बता चुकी हूँ, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ठीक है, क्या कन्फ्यूजन हो गया बच्चे, ये मुझे लगता है आप लोग ये 125 मिलियन वाला लोन पे ध्यान दे रहे हो जो वेस्ट बंगाल को दिया है, इससे पहले हमने पढ़ा था आखिरी क्लास में। ठीक है, चलो इतने लोन्स हो गए, कंफ्यूजन है। है ना, चलो अगला क्वेश्चन, ये कल मैंने आपको पढ़ के आने के लिए कहा था ना। आओ देखो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देवगढ़ एयरपोर्ट इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देवगढ़ हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। देखो जरा कौन सा है। हाँ जी बिल्कुल सही सुनिमा राहुल। आओ देखिए, बाकी लोग दिख नहीं रहे, बहुत लोग थे। चलो और बीच बीच में लाइव जरूर कर लीजिएगा सेशन को, कई बार बैक हो जाते हैं और काफ़ी कमेंट्स दिखते नहीं हैं। आओ, द राइट आंसर इज बी बोले तो झारखंड। झारखंड हमारा प्रदेश, ट्राइबल स्टेट है, और पूरी कोशिश जान लड़ा रहा है कि हम जल्द से जल्द बाकी देशों का, बाकी प्रदेशों का मुकाबला करें। और इसी कड़ी में एक आगे जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है देवगढ़ एयरपोर्ट को, जिसका जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, एक तरह का 16,800 करोड़ का है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है
और देवगढ़ में एक तो एयरपोर्ट खोला है और दूसरा देखो क्या है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज एम्स देवगढ़ में किया गया है। तो दोनों ही डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है झारखंड की। और देवगढ़ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी आधारशिला मोदी जी ने 25 मई 2018 को रखी थी, ठीक है। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा झारखंड में रांची के बाद। आगे बढ़ो, 2014 में इंडिया के पास सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, और 7 सालों में अब 66 नए एयरपोर्ट्स बन गए हैं और टोटल कितने हो गए हमारे पास, 140 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, जिसमें हेलीपोर्ट जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारा जाता है और वाटर डोम्स भी हैं, ठीक है। अप्रैल 2022 का डेटा है ये। आगे बढ़ते हैं, देवगढ़ की बात करें, इसकी जो लागत है 400 करोड़, टोटल 1600 है और देवगढ़ की 400 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, और ये सालाना लगभग 5 लाख जो पैसेंजर्स हैं उनको क्या करेगा, डील करेगा, उड़ान स्कीम, उड़े देश का जो नागरिक है ये स्कीम है आपका, इसमें 420 रूट्स क्या हैं, ऑपरेशनलाइज हैं जून 2022 तक, ठीक है। तो ये जून 2022 का डेटा है जिसमें 420 जो रूट्स हैं एयर रूट्स हैं वो ऑपरेशनल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है गाइज, अगर आप अलग अलग एग्जाम्स देते हैं। उड़ान की बात करें तो ये कई सेक्टर्स को बेनिफिट करेगा पैन इंडिया लेवल पे, जहाँ पे हिल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और आइलैंड स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है। चलो फिर जो दूसरा है, इन पेशेंट आईपीडी और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज एम्स देवगढ़ में, ये भी मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसकी आधारशिला भी 25 मई 2018 को रखी थी। अगर हम इसकी बात करें तो इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइड करना सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर अपनी पॉपुलेशन को, और साथ ही साथ क्रिएट करना एक लार्ज पूल किसका, डॉक्टर्स का और हेल्थ वर्कर्स का इस रीजन में। एम्स की अगर हम बात करें, 2014 तक सिर्फ 7 एम्स थे, ठीक है। चलो अब लास्ट ईयर ये 16 एम्स हो गए थे, ठीक है, 16 एम्स को अप्रूवल मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड रांची कैपिटल, हेमंत सोरेन आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रमेश बैस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बढ़ें और पढ़ें, देखो क्या लिखा हुआ है। इसीलिए रोज़ाना रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी 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 इतनी हो रही, स्पेशली आपके जो लोन्स हैं और जो आपका जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो चेंज हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो डेली अपडेशन बहुत ही ज़रूरी है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, विच IIT हैज़ अनाउंस दैट इट विल बी लॉन्चिंग अ $2.5 मिलियन प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल नियरली 1400 सेंसर्स इन रूरल ब्लॉक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। किस IIT ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित करने के लिए $2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की परियोजना शुरू करेगा। IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर ले लें। द राइट आंसर इज डी, डी बोले तो IIT कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर। आगे बढ़ते हैं, तो IIT कानपुर ने सेटअप किया है नेटवर्क एयर क्वालिटी सेंसर्स का, ताकि मेजर किया जा सके पॉल्यूशन को रूरल एरियाज में। तो एयर क्वालिटी सेंसर्स लगाने की यहाँ बात हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये $2.5 मिलियन का प्रोजेक्ट है कि जो कि इंस्टॉल करेगा 1400 सेंसर्स रूरल ब्लॉक्स में उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। तो मेजरमेंट करेगा एयर पॉल्यूशन, जानते ही हैं एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, भारत अमंग्स मोस्ट पॉल्यूटेड एंड पॉपुलेटेड दोनों सिटीज में से है ना। आओ, 3 साल का पायलट प्रोजेक्ट है आपका ये, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एयर क्वालिटी सेंसर को ग्रामीण एरियाज में नापेगा। अगला क्वेश्चन, और हम भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो दुनिया की, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज दुनिया की, उसमें फिलहाल आ गए हैं। और अगला क्वेश्चन, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट टू बिल्ड नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक फेरी। गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़।
सही बात है। आओ देखो अगला क्वेश्चन। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, भारत प्रगति की तरफ बढ़ता जा रहा है, अच्छी चीज़ है हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें हम, तो हम प्रगति के स्तर पे हैं। इंडिया ग्लोबली रिकग्निशन मिल रहा है, आप बड़े बड़े ग्रुप्स की जो मीटिंग हो रही, G7, G20, भारत को लोग मतलब दर्जा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल अगला क्वेश्चन जो कि मैंने पढ़ा है, और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बात करते हैं। हाँ जी, ये है वेस्ट बंगाल, यही पढ़ के आए थे क्या सब लोग जो वहाँ लगा दिए? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। और बात करें तो GRCE ने साइन किया है एक एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल के साथ, ताकि बिल्ड किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी, ठीक है। GRCE की बात करें, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी है, वन डिफेंस PSU की लीडिंग वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी है भारत की, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वेस्ट बंगाल सरकार के साथ, ताकि डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी का, ठीक है। और ऐसा करने से होगा क्या, ये रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। तो भाई वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वहाँ भी फ्यूल बर्न होता है और कार्बन एमिशन होता है, तो उसको रिड्यूस करने की बात होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ेंगे आगे। ग्रीन वेसल की जो पोटेंशियल है, ये रिप्लेस करेगा जो भी कन्वेंशनल हम जो डीजल से इंजन चला रहे थे या फेरी चला रहे थे, उसको कहाँ पे, हुगली नदी में, ठीक है, बहुत पॉल्यूशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फेरी, ये ट्रांसफॉर्म करेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, नेशनल वाटरवे वन जो कि डेवलप किया है हल्दिया, जिसे डेवलप किया गया है हल्दिया से वाराणसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए छोटा मोटा एक्स्ट्रा डेटा ज़रूर देती हूँ मैं। और वेस्ट बंगाल कैलकटा की बात करें, इट्स माई सेकेंड होम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गुड मॉर्निंग शिवम, शिवम आज बहुत दिन के बाद आए हैं ना। हाँ पॉपुलेशन, अभी हम बात करेंगे, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी है आज हमारे पास। चलो देखो, मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सक्सेसफुली कंक्लूडेड द सिक्स डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग इन कोची रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्यों ने हाल ही में कोच में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की छठी बैठक सफलतापूर्ण संपन्न की। निम्नलिखित में से कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सदस्य नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। इंडिया, मालदीव, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका। आओ देखिए, तो शिवम, सुनेमा, राहुल, वैद, और जो लोग भी हैं आंसर्स कर सकते हैं, जो नाम दिखे मैंने बोल दिए। और देखें, मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और बात कर ले पहले इसके बारे में, आंसर क्या लगाया है? चलो देखते हैं। ना ना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको पता है, जग जाहिर है वेस्ट बंगाल के हालात की, तो कोई जरूर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सी सी इज, एक बार चेक कर लें। हाँ जी, भूटान। आओ बढ़े आगे, तो छठा डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग जो है किसकी, मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, इसे कोची में आयोजित किया गया है। जो मेंबर्स हैं देख लो कौन कौन से हैं, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका, और श्रीलंका, और जो डेलीगेशन बांग्लादेश और सेशल्स का है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑब्जर्वर के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने डिस्कस किया किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए जो रोड मैप है कोऑपरेशन का 22-23 का, और डिसीजंस लिए जाएं फिफ्थ NSA लेवल मीटिंग के, जो लास्ट ईयर हुई थी ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये कब हुई थी, 9 से 10 मार्च में, ठीक है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट ईयर नहीं हुई थी, जो लास्ट मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, ये मालदीव्स में, ऑन मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तो इन मुद्दों पे बातचीत हुई थी, और इसे किस तरह से हम लागू करें इसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बताने जैसा? अच्छा, वर्चुअली हेल्ड हुई है मीटिंग, पहली चीज़, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, अगस्त लास्ट ईयर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें बताने जैसा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चार मेंबर्स हैं, इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका। बढ़ो आगे और पढ़ो आगे। हाँ विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 60th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। कौन सा देश हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 60वां देश बन गया है? भूटान, यूएई, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया। शुभम, राहुल, सुनिमा एंड वैद। आओ देखें जो लोग अभी अभी आए हैं, गुड मॉर्निंग। और देखें जरा 68वां कंट्री जिसने इंटरपोल सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को ज्वाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट उपलब्धि किसके लिए? भारत के लिए। इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया क्यों बोल रही हूँ, इट्स इंडिया। भारत बोल रही हूँ फिर इंडोनेशिया बोल रही हूँ। आगे बढ़ो। तो इंडिया बन गया है 68th कंट्री जिसने ज्वाइन किया है इंटरपोल का चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। ये इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत 195 मेंबर्स में से एक मेंबर बन गया है जिसके पास एक्सेस होगा डेटाबेस का और सॉफ्टवेयर का, जो कि अवेलेबल होगा हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी इंटरपोल। ये जो डेटाबेस है हमारी सीबीआई को प्रोवाइड करेगा, जो कि एक नोडल बॉडी है इंटरपोल कोऑर्डिनेशन की इंडिया में, यानी भारत की सीबीआई भारत की तरफ से कोऑर्डिनेट करती है कहाँ पे, इंटरपोल में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये क्या करता है, ये डेटाबेस यूज करता है वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में ताकि एनालाइज किया जा सके जो भी कंटेंट है रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेक्टिव्स हैं 68 कंट्रीज के, वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा अलग अलग देशों से इस संस्था के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अगर हम बात करें इंटरपोल की, अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1923 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर लायन फ्रेंस में है और लियोन फ्रेंस में है, और अगर हम बात करें एसजी का नाम है जुर्गन स्टॉक, मेंबर्स 195 है। ठीक है, चलो और कुछ इसमें बताने जैसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी चीजें नई नई पता चल रही हैं, है ना। बढ़ो बढ़ो आगे, पढ़ो पढ़ो आगे। विच हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन। ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, देन आनंद विहार टर्मिनल, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो क्या लगाया है? जरा बीच बीच में लाइव करते रहिएगा, एक सेकेंड। आओ देखो, द राइट आंसर इज ए, इट्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का जो है वो बन गया है पहला रेलवे स्टेशन जहाँ इंडिया ने इक्विप किया है ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स, यानी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो कि पैसेंजर्स को अलाउ करेगा स्टेशन पे रियल टाइम में, यानी लाइव जिसको आप कह सकते हो, रियल टाइम डिजिटाइज टाइम टेबल दिखाई देगा जो कि डेडिकेटेड होगा स्क्रॉलिंग स्क्रीन, यानी आप स्क्रीन को स्क्रॉल भी कर सकते हो और रेलवे की इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिल सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइव स्क्रीन है जहाँ पे पैसेंजर्स एनिमल्स से मिल सकेंगे, मतलब वो स्क्रीन पे उस पर दिखाया जाएगा, मैजिक ट्रिक्स दिखाई जाएंगी, स्नोफॉल है, इस तरह की चीज़ें, और कोई भी अलग अलग जो देश है उनके बारे में स्क्रीन पे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रेलवे स्टेशन है मुंबई का, बिल्कुल सही, और ये रेवेन्यू जनरेट करेगा यानी फ्री में नहीं होगा ये रेलवे के लिए, और ऑफर करेगा पैसेंजर्स को कि वो वहाँ पे इंगेज हो सके कुछ फन एक्टिविटीज़ में। इज़ लुकिंग टू ब्रिंग 50 लाख इन रेवेन्यू अगले 5 सालों में, इसका जो एम है। ठीक है, तो फ्री में नहीं होगी स्क्रीन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एकनाथ शिंदे नए सीएम बने हैं और
हमारे जो ठाकरे साहब हैं उनको हटा दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी इज दी महाराष्ट्र गवर्नर, कई बार बात हो गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है हमारे पास, विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट पोजिशन इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन इन द मंथ ऑफ जून 2022। जून 2022 के महीने में किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार, मेघालय। फिर से एक बार ज़रा ध्यान दे, क्या पूछा है मैंने? पहली रैंक, डेल्टा रैंकिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ये एक बार इसको पढ़िएगा, क्या है ये मिशन, ठीक है? वेरी, क्योंकि मिशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बी बोले तो झारखंड हमारा। और झारखंड की बात करें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया है ये डेल्टा रैंकिंग, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की, जिसमें झारखंड ने पहला स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। 76.19 का स्कोर रहा है जून के महीने में। अगर हम झारखंड की बात करें, आठवां स्थान है इसका ओवरऑल रैंकिंग में, और इसने इम्प्रूव किया है अपना स्कोर मई से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं मिलके इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, झारखंड की बात करें, पहला रैंक है इंडिया की डेल्टा रैंकिंग में, दूसरा नंबर पुडुचेरी का है और तीसरा असम का है। सेंट्रल ने लॉन्च किया था ये मिशन 2016 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टिमुलेट करना लोकल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपका स्थानीय या लोकल आर्थिक विकास है, उसको इन्हांस करना, जो बेसिक सर्विसेज हैं, और क्रिएट करना एक वेल प्लान रूअर्बन क्लस्टर, ठीक है? चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये रूअर्बन मिशन बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द नेशनल एम्बलम कास्ट वेइंग डैश किलोग्राम्स ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर डैश किलोग्राम वजन वाले राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया। कल मैंने कहा था ना, पढ़ के आना। 7500, 8500, 9500, 9000, 1950, 1950। देखो जरा कितना है, जरा हम भी एक बार देखें। याद आ गया, हाँ। चलो देखो, तो नेशनल एम्बलम आप जानते हैं, पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जोर शोर से, और बहुत ही एक गर्व की बात है, भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसको यहाँ स्थान दिया जा रहा है, और इसका अनावरण मोदी जी ने किया है। और देख लेते हैं कितना, सी सी बोले तो 9500, बिल्कुल सही। इसका जो वजन है, पहले तो हम बात करते हैं, मोदी जी ने नेशनल एम्बलम को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या किया है, इसका अनावरण किया है। 6.5 मीटर टॉल ये नेशनल एम्बलम है, आप देख सकते हैं इसको। और अभी कुछ विवाद भी चल रहा है लेके, जो जो यहाँ पे इसमें जो लायंस हैं उनको शायद रोर करते हुए दिखाया है, एंग्री लायंस का, प्रयोग किया, तो कुछ विवाद भी स्टार्ट हो गया है, तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग। एम्बलम ब्रॉन्ज का बना है, ठीक है? ब्रॉन्ज क्या होता है? पीतल, तांबा, तांबा होता है भैया। आगे बढ़ते हैं। 9500 kg का ये हमारा आर्किटेक्चर है, और ये इसको सपोर्ट करेगा एक स्टील स्ट्रक्चर 6500 kg का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एम्बलम को बनाया है किसने, ये नाम पता होना चाहिए, सुनील देवरे ने, जो कि औरंगाबाद से आते हैं, और लक्ष्मण व्यास ने, जो कि जयपुर से आते हैं। और इसका जो फैब्रिकेशन है, इसे मतलब इसे बनाया गया है औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में, ठीक है? चलो, फैब्रिकेशन यानी इसमें जो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें बताने जैसा देख लें ज़रा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बाबा, ट्रायंगल शेप का है, 12-24 सीट की कैपेसिटी है, नए जो पार्लियामेंट बन रहा है, 4 स्टोरी बिल्डिंग होगी, अगला विंटर सेशन में कंप्लीट भी हो जाएगा। सही है भैया, मोदी जी ने फोन किया था राहुल को, है ना? यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक राहुल ने बताई हमें। इस एम्बलम में एक तो लायन है, बिल्कुल सही, मैं पूरा पिक्चर लगाना भूल गई, हॉर्स है, फिर बुल है, और एक एलिफेंट है, ये याद रखिएगा। फिर से बोल रही हूँ, लायन, हॉर्स,
देन यू हैव अ बुल, देन यू हैव अ एलिफेंट, ठीक है? ये पूछा जा सकता है कि इस एम्बलम में कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिस 2022, इंडिया विल सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ इन कौन से आई है? तो भैया बहुत जल्द हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, आबादी वाला देश बन जाएंगे, है ना? विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार भारत डैश में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। 25, 30, 23, 35, 27, ठीक है? चलो देखें ज़रा क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर भाई। वेरी गुड राहुल, इट्स अ गुड थिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ है आप शेयर करते हो तो। चलो तो पॉपुलेशन की बात हो रही है, अब हमें भी वही नारा करना पड़ेगा, हम दो बट हमारा एक, ठीक है? या फिर सिंगल रहिए और गोद लीजिए, या आप अगर आप थोड़ा सा भी सोशली एक्टिव हैं तो नागालैंड के, अगर आपने देखा होगा, एक MLA हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनका ट्वीट काफ़ी चल रहा है कि सिंगल हैं और गोद ले लेंगे, है ना? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सी सी, एक सेकेंड, हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है, 23। तो भैया इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर देश बन जाएगा 2023 में, चाइना को सरपास कर देगा, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। अब चाइना अभी तक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी रहा, स्टेट नहीं कंट्री रहा है 2022 तक 14-26 मिलियन आबादी के साथ, बट इंडिया बहुत जल्दी इसको पार कर देगा और ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 8 बिलियन हो जाएगी नवंबर 2022 में, जो कि 3 गुना है पॉपुलेशन का और 2.5 बिलियन 1950 का, ठीक है? जो डेटा था, आओ बढ़े और देखें एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो इंडिया, ये तो बात हो गई हमारी, एक सेकेंड, इतना हमने बता दिया ना आपको, हाँ जी इतना बता दिया, आगे बढ़ो, यहाँ बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो प्रोजेक्शन है इसने कहा है कि 2050 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा वो होगा 1668 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा चाइना के, चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है। ग्लोबल पॉपुलेशन 2050 तक कितना हो जाएगी, 9.7 बिलियन। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स हैं ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया हैं 2.3 बिलियन लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं, चाइना और इंडिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जाहिर सी बात है समझ में ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल और सदर्न एशिया एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स होंगे वर्ल्ड के 2037 तक, ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस हैं उसके आधार पे कहा गया है जो वैश्विक पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो बढ़ सकती है 8.5 बिलियन 2030 तक, अभी बताया मैंने, 9.7 बिलियन 2050 तक और 10.4 बिलियन 2100 तक, ठीक है? मतलब ये ईयर्स हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्या बात करें, अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें 2050 की, तो 8 कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, आधी से ज़्यादा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है, फिलीपींस, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये कुछ 8 देश हैं जो 2050 तक आधे से ज़्यादा आबादी यहीं की होगी। फिर कंट्रीज़ जो सब सहारन अफ्रीका की, ये भी 2100 तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगी वैश्विक आबादी में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, ज़रूरी था डिस्कस करना। अगला क्वेश्चन, आओ बढ़ो। तो गाइस बार बार कहती हूँ, आप अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है? तो उसमें काफ़ी तरह का डेटा आता है, और ख़ासतौर से अगर आप मेंस वगैरह दे रहे हो, और कई लोग सिविल्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस तरह का डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अपने हिसाब से डेटा को कलेक्ट करा करो, है ना? आइए, इंडियाज अर्जुन बबूता हैज़ वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई?
भारत, मालदीव, भूटान, मॉरिशस या साउथ कोरिया। तो हाल फिलहाल में बहुत से मेडल्स आए हैं, और एक अभी एक हमारी दादी जी हैं वो भी गोल्ड और ब्रॉन्ज लेकर आई हैं, है ना, स्प्रिंट स्प्रिंट में। ठीक है, देखते हैं। आई थिंक फिनलैंड में आयोजित हुआ था वो, आज क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन मैं कल ज़रूर इंक्लूड करूँगी। हरियाणा से 94 इयर्स की हैं और उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज लेकर आई हैं वो। फिनलैंड में एक आयोजन हुआ है, पढ़ के आइएगा, कल मैं ये क्वेश्चन ज़रूर रखूँगी। चलो देखते हैं ज़रा, द राइट आंसर इज ई, ई बोले तो साउथ कोरिया। पढ़ें आगे, तो इंडिया के अर्जुन बबूता, पहले तो इनका नाम जानिए, ये पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। वर्ल्ड स्टेज कहाँ पे, चैंगवॉन साउथ कोरिया में ये आयोजन हुआ है। इन्होंने टोक्यो 2020 के जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं लूकस कोजांस्की, जो कि यूएस से आते हैं, उनको फाइनल्स में हराया है। अर्जुन बबूता ने टॉप कर दिया है 8 मेन रैंकिंग राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पार्थ मखीजा इंडिया के हैं, इनको चौथा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए, तो अर्जुन बबूता, पार्थ मखीजा। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छूट गया था ये। तो वैद, राहुल, सुनेमा, आज रजत नहीं है, मीना नहीं है, है ना, भरत गुम हो गए हैं। चलो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7, 8, 9, 10, 11। तो जनसंख्या, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलने के पूरे आसार हैं, बिकॉज इंडिया अगले साल पॉपुलेशन इंडेक्स में नंबर 1 पोजिशन पर आ जाएगा। और द राइट आंसर इज यस, 11 जुलाई, यही सही है, 11 जुलाई। आओ बढ़े आगे, तो 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, और इंक्रीज हो रही है जो पॉपुलेशन उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 1989 में स्थापना हुई थी, तब की जो गवर्निंग काउंसिल थी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, UNDP जिसे आप कहोगे। 11 जुलाई 1990 की अगर हम बात करें, पहली बार इसका आयोजन हुआ था और लगभग 90 देश ने इसको मनाया था। थीम क्या है, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, अभी मैंने कहा, टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, ये इस बार का थीम है। आगे बढ़ो, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्शन है इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन होगा 2035 तक। नाइट फ्रैंक की जो लिस्ट है उसमें भारत की रैंक तीसरी है, जो बिलियनर पॉपुलेशन है वैश्विक स्तर पे, बिलियनर पॉपुलेशन मानी ऐसे लोग जिनकी पास बिलियंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूपी की जो पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल है इसे प्रपोज किया गया है, जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात की गई है, यूपी ने ये बिल प्रपोज किया है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन इंडेक्स रैंकिंग है एशिया में 2 नंबर पर है। फिर UNPFA की बात करें, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है आपका, फिर है UNDP की अगर हम बात करें, हाँ UNDP का जो डेटा आया है उसके बाद अगर हम UNDP की बात करें, क्या है, 1965 में स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क US में इसका हेडक्वार्टर, और DG का नाम है एशम स्टाइनर। ठीक है, तो गाइज आज मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, तो कोशिश करिए सबको कलेक्ट करके एक साथ रखने की, और साथ ही साथ रिविजन भी करते रहिए। तो काफ़ी एफर्ट करते हैं हम इसलिए कि ताकि आपका जो करंट है वो बेहतर हो सके, और कोशिश करते हैं कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आप बैठ सके और करंट की वजह से आपका कोई भी एग्ज़ाम रुके नहीं। फिलहाल अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे हम आपको इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में जैसे ही हमारा सेशन ओवर होता है। तो आप लाइव देखें या बाद में देखें, आंसर ज़रूर दिया करिए। पढ़े क्वेश्चन, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फादर ऑफ डैश इन इंडिया। ब्रजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया, वो भारत में डैश के जनक कहलाए जाते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल या फैक्स, इसका आंसर आप मुझे देंगे जैसे ही सेशन ओवर होता है। वह जब क्या कहते हैं सेशन ओवर हो, दोबारा से खोल के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो
तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से दीजिएगा, कुछ सेकंड्स रुकिए, बस सेशन एंड होने वाला है। तो गाइज ये तो था हमारा सेशन, पीडीएफ थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। मेरा नाम मीनम है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और हमारे अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। test.abhishekbaba.com हमारी वेबसाइट है जिसे आप विजिट करेंगे फॉर मोर अपडेट्स एंड मॉक टेस्ट रिलेटेड टू बैंक, SSC, रेलवे एंड अदर प्रमोशनल एग्जाम्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। और रोज़ाना मंडे टू सैटरडे 8 बजे अब मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए।